Viewers, today I'm going to tell you about the decision control statement practically. So let us start. First of all, I will tell you about a if statement. If statement ke liye include stdio.h, stdlib.conio.h kholenge, jisme hum apne variable ko define karenge gross salary or net salary. ग्रॉस सैलरी को फ्लोट में और नेट सैलरी को फ्लोट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल पोर्शन भी नंबर में आएगा। सबसे पहले हम एंटर ग्रॉस सैलरी करेंगे एम्प्लॉय की, तो उसके लिए हमको स्कैन एफ लेना पड़ेगा, परसेंट एफ लेंगे और ग्रॉस सैलरी डिफाइन करेंगे, एम परसेंट लगाकर ग्रॉस सैलरी करेंगे। अब उस सैलरी को हम प्रिंट करके देखेंगे कि अगर प्रॉपर आया कि नहीं आया। प्रिंट एफ परसेंट टू एफ ग्रॉस सैलरी, फिर चेक करेंगे इफ ग्रॉस सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 10,000 तो प्रिंट करे वो ग्रॉस सैलरी, अदरवाइज अगर ग्रॉस सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है तो सैलरी में से 0.15% डिडक्ट हो जाएगा। तो 0.15 इंटू ग्रॉस सैलरी करके जितना आएगा उसको ग्रॉस सैलरी में से जब हम डिडक्ट कर देंगे तो जो सैलरी आएगी वो नेट सैलरी होगी। तो लेट स्टार्ट एंड रन दिस प्रोग्राम। कोई एरर बता रहा है, इसमें देख लेते हैं क्या एरर है। यहाँ पर इफ में देखिए आई जो है वो बड़ा है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्टेटमेंट सारे छोटे करेक्टर से ही होंगे। उसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अब वो पूछ रहा है एंटर द एयर टिकट फेयर 200, एंटर द एज ऑफ पैसेंजर 45, एयर टिकट फेयर डिस्काउंट इतना, एज 45 इज इतना। ये पहले से है तो इसको हमको डिस्प्ले करने ना डिस्प्ले करे इसके लिए हम लोगों को CLR SCR लगाना पड़ेगा। बहरहाल अभी एंटर अ ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय दिया है तो हम मान लीजिए 5,000 करते हैं तो वो सैलरी 5,000 प्रिंट कर देगा और वो स्क्रीन पे दिखे इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए जब वो प्रिंट करे तो रिटर्न होने से पहले यहाँ पर इसको GET CH लगाना पड़ेगा तो जिससे कि वो स्क्रीन पे दिखता रहे। और यहाँ पर conio.h हमने यूज़ किया है तो CLR SCR यूज़ करेंगे तो आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी तो आप वहाँ पर प्रॉपर एंट्री समझ पाइएगा। अब यहाँ पर इसको फिर से सेव कर दिया और कंपाइल करके रन करेंगे तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी दिखाएगा। आप ग्रॉस सैलरी मान लीजिए हमने 15,000 दी तो वो ग्रॉस सैलरी क्या करेगा, कैलकुलेट करके नेट सैलरी निकालेगा, 15% इसका वो डिडक्ट कर देगा। अब कितना डिडक्ट हो रहा है इसको भी अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आया, डिडक्शन के बाद क्या आता है इसको यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आपको 2F दिया है आपने, नेट सैलरी दिया है और यहाँ पर डिस्काउंट अगर डिडक्शन अगर देना है, डिडक्शन रुपीस परसेंट 0.2F और नेट सैलरी दिया। यहाँ पर डिडक्शन में आपको ये आपका पूरा कॉपी कर सकते हैं आप, तो ऑल्टर ई करके यहाँ पर देखिए सी करिएगा तो कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर आकर के ऑल्टर ई करके अगर आप पी करिएगा तो ये देखिए आपका ये वैल्यू यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए तो दो वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब इसको ऑल्टर एफ करके एस कर दिया, ऑल्टर आर करके रन कर दिया। अब देखिए ग्रॉस सैलरी पूछ रहा, अब हमने 15,000 जब देंगे तो वो देखिए आपका डिडक्शन 2,250 रुपया हुआ और 12,750 आपकी
नेट सैलरी आ गई। तो इस तरह से हम अपने प्रॉपर ढंग से फ्लोट वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इफ स्टेटमेंट के लिए। तो फाइल करके ओपन करते हैं, हमने इफ स्टेटमेंट के लिए भी बना रखा है प्रोग्राम आपको डिस्क्राइब करने के लिए। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ के साथ जब एल्स हम लगाते हैं तो दो कंडीशन कैलकुलेट होती है, एक ट्रू होती है, फॉल्स होती है। जब ट्रू होगी तो इफ वाली होगी और जब फॉल्स होगी तो एल्स वाली कंडीशन कैलकुलेट होगी। अब यहाँ पे प्रोग्राम टू कैलकुलेट एयर टिकट आफ्टर डिस्काउंट। अब यहाँ पर हम इफ और एल्स स्टेटमेंट लगाए हुए हैं। यहाँ पे इंट एज लिया, फ्लोट में फेयर लिया, फ्लोट में डिस्काउंट लिया, सी एल आर एस सी आर किया, प्रिंट एफ किया, एंटर द एज ऑफ पैसेंजर। अब डिपेंड करता है कि एज पैसेंजर की कितनी है, उसके बेसिस पे आपका एयर टिकट फेयर कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम एज इनपुट करेंगे, फिर फेयर इनपुट करेंगे, एंटर द एयर टिकट फेयर, फेयर इनपुट करेंगे। अगर एज 14 से कम है तो डिस्काउंट 5% होगा, 50% होगा। अगर फेयर इक्वल्स टू, और फेयर इक्वल्स टू फेयर माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम प्रिंट भी कर सकते हैं लेकिन चेकिंग के लिए, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे। फिर एल्स करेंगे, एल्स में दो कंडीशन ले रहे हैं हम। इफ एज लेस देन 50 है, लेस देन इक्वल टू 50 है तो डिस्काउंट 1% होगा, और अगर एज लेस देन ग्रेटर देन 50 है तो आपका डिस्काउंट जो है वो 20% होगा, मतलब सीनियर सिटीजन होगा वो। तो फेयर इक्वल्स टू फेयर माइनस डिस्काउंट इनटू फेयर हो जाएगा। अब हम इन तीनों वैल्यू को रन करके आपको वन बाय वन दिखाएंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो देखिए, इफ में एक कंडीशन और एल्स इफ मतलब दूसरी इफ कंडीशन लग गई और उसकी एल्स कंडीशन लग गई, तो नेस्टेड इफ बन गया ये। अब यहाँ पे एयर टिकट फेयर डिस्काउंट जो हमने प्रिंट किया डिस्काउंट के साथ, उसकी एज के साथ और उसका फेयर कितना हुआ। तो अब इसको रन करेंगे तो ये देखिए क्या आता है। अब देखिए सी एल आर एस सी आर लिया था इसलिए वो क्लियर हो गई स्क्रीन। 12 किया हमने, एंटर द एयर टिकट फेयर, मान लीजिए हमने 1000 रुपया लिया तो एयर टिकट डिस्काउंट जो 50% होगा 12, तो उसको देखिए 500 में जाने को मिल जाएगा। अब इसको हम फिर से रन करते हैं और उसको एज डालते हैं 45, तो 45 जो है वो 50 से कम होगा। एंटर टिकट मान लीजिए हमने 2000 कर दिया। अब एयर टिकट फेयर डिस्काउंट जो है 10% होगा एंड एज 45 है तो 1800 उसको आ जाएगा। 10% 2000 का 200 होता है तो ये आपका 1800 आ जाएगा। अब इसी को फिर से रन करते हैं और सीनियर सिटीजन के लिए निकालते हैं। पैसेंजर एज 60 कर दिया। अब इसका एयर टिकट फेयर 2000 अगर है तो डिस्काउंट आपका 400 हो जाएगा। इस तरह से हम अपने नेस्टेड इफ से अपने प्रोग्राम को रन करके अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है, ओपन करेंगे स्विच कंडीशन। स्विच कंडीशन तब हम लगाते हैं जब मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। तो मल्टीपल कंडीशन कब होगी, हमने दो नंबर इनपुट किया और उसका हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब निकालना है और नंबर एज इट इज डिफॉल्ट में प्रिंट कर देना अगर कुछ नहीं कंडीशन फुलफिल होती है। तो स्विच कंडीशन हमने आपको पढ़ाया था कल, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें आपको समझ में आएगा उसमें केस कंडीशन कैसे लगाते हैं। इंट चॉइस हमने 0 ली सबसे पहले, फिर एन हमने नंबर के लिए लिया, उस नंबर को हमने इनपुट किया। चॉइस हमने 5 लिया, लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 होगी तब तो वो काम करेगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट पे जाके एग्जिट कर जाएगा। अब हमने यहाँ पर लूप फॉर वाइल लगाया, वाइल लूप लगाने से वो तब तक काम करेगा जब तक कि चॉइस 5 से कम है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमने ली जो स्क्वायर के लिए, वो नंबर को स्क्वायर करेगी, 2, 4 प्रिंट करेगी स्क्वायर रूट को, क्यूब करेगी थर्ड कंडीशन और फिफ्थ कंडीशन पे बाय डिफॉल्ट में जाके लूप एग्जिट हो जाएगा।
अब यहाँ पर एंटर एनी चॉइस पर आएंगे तो स्कैन अ पर्सन डी एम्पर्सन चॉइस किया। स्विच कंडीशन लगाएंगे, स्विच कंडीशन में चॉइस को चेक करेंगे, जो चॉइस आएगी उसके हिसाब से हम केस कंडीशन में जाएंगे। तो यहाँ पे देखें केस बेसिस पे आपका ब्रांचिंग हो रही है, तो केस लिखने के लिए केस प्लस नंबर और कोलन लिखते हैं, फिर उसके बाद वो कंडीशन लिखते हैं जो हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं पहली बार में स्क्वायर, दूसरी बार में टू और फोर केस में स्क्वायर रूट, थ्री केस में क्यूब और बाय डिफॉल्ट में सेम नंबर विच आई हैव इनपुट, और गेट सी एच लगाया जिससे कि आपका स्क्रीन थोड़ी देर के लिए हॉल्ट हो जाए। फिर अब हम इसको रन करते हैं और नीचे रिटर्न, तो आपको पता ही कि मेन फंक्शन बनेगा तो रिटर्न लगेगा तभी वो टर्मिनेट होगा। अब इसको रन करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर नंबर हमने टू किया, हमने दिया कंडीशन प्रिंट स्क्वायर, तो इसमें ये टू करा तो स्क्वायर रूट प्रिंट करेगा। देखिए दो का स्क्वायर रूट क्या होगा, एंटर चॉइस टू है, नंबर टू है तो स्क्वायर रूट वन दे दिया उसने राउंड ऑफ करके। अब एंटर चॉइस वन करेंगे तो वन पे उसका स्क्वायर देगा, टू इंटू टू हो जाएगा। अब एंटर चॉइस हम क्यूब करेंगे तो क्यूब करने से एट आ जाएगा, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, और अगर हम एंटर चॉइस फाइव कर देंगे तो प्रोग्राम अपना नंबर इनपुट करके एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से स्विच कंडीशन हमारी काम करती है। और अगर आपको ये समझ में ना आया हो कुछ पॉइंट तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर टू गेट मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोस, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक यू।